हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के सेशन के लिए। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पर आप जो पैटर्न देख सकते हो ये डेली चार्ट पे, ये इसने बनाया बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। बुलिश पियर्सिंग एक रिवर्सल पैटर्न होता है। रिवर्सल का मतलब ये है डाउन ट्रेंड था, बुलिश पियर्सिंग बना है, अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हायर चांसेस हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। बट हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखना वीडियो। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और एक ये रेजिस्टेंस मार्क किया है। ये लास्ट स्विंग का रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल 32,800 के आसपास, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। तो दो रेजिस्टेंस है 32,800 के आसपास, मल्टीपल रेजिस्टेंस है अगर 32,900 और 33,000, ये इंपॉर्टेंट हर्डल अगर क्रॉस कर लेता है बैंक निफ्टी तो वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ हो सकता है, वरना हायर चांसेस है यहाँ पर कहीं पर आके ये फंस सकता है और वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बट अभी फिलहाल जो इसने डेली चार्ट पे कैंडल बनाया ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। तो अभी के पैटर्न के हिसाब से आपको ग्रीन कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर जाता है तो आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए 32,800-32,900 तक के टारगेट के लिए। ग्रीन कैंडल का हाई आप देख सकते हो 32,019.90 है, मतलब 32,000 का आप राउंड ऑफ लेवल पकड़ सकते हो। 32,000 के ऊपर जाता है अगर बैंक निफ्टी तो 700-800 पॉइंट की रैली हमें और देखने को मिल सकती है। 32,800-900 तक लेवल्स पॉसिबल लग रहे हैं, लेकिन 32,800-900 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये लास्ट स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग भी कर रहे हो तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा 32,800-900 के आसपास, और वहां पर आपको पैटर्न फॉर्मेशन होने का वेट करना पड़ेगा, वहां पर आपको नेगेटिव पैटर्न फॉर्म होने का वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको ट्रेंड लाइन टूटने का वेट करना पड़ेगा। तो 32,800-900 इमीडिएट टारगेट लग रहे हैं बैंक निफ्टी में, 32,000 के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का नॉलेज है तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज प्लान करना, और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा का आप स्टॉप लॉस मत रखना। 32,000 के ऊपर बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है 32,800-32,900 तक के टारगेट के लिए। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और ये जो सेलर का कैंडल था ये पूरा का पूरा निगेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेलर्स का कैंडल था, यहाँ से फॉल आया और इसने पूरा रिकवरी किया है और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, जो कि एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। अब ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप पूरा फिलअप हो सकता है, हायर चांसेस है, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी के आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं 32,800-32,900 तक, क्योंकि यहाँ से अगर मोमेंटम पिकअप करता है तो 700-800 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पर ये पूरा गैप फिल कर सकता है। तो 32,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए 32,800-32,900 तक के टारगेट के लिए। अब हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने अगर आप देखो यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम के साथ में इसने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, जो कि एक काफी पॉजिटिव पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न होता है। पर यहाँ पर आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लास्ट स्विंग यहाँ पर था तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 14,750-14,800, ये लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सो 14,750-14,800 के आसपास अगर आपको मिलता है निफ्टी तो थोड़ा आपको लॉन्ग पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाइंग कब करना चाहिए ध्यान से समझना। ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है इसके ऊपर हम लोग बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। ये ग्रीन कैंडल का हाई है 14,563, तो 14,563 के ऊपर निफ्टी जाता है अगर तो हम लोग बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे 14,700-14,750 तक के टारगेट के लिए। अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी का नॉलेज है तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लान करना, वरना निफ्टी में 50-60 पॉइंट से ज्यादा का आप स्टॉप लॉस मत रखना, यानी 14,500 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको बाइंग करना है 14,563 के ऊपर। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी अगर आप देखो कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी काफी ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो है वो सेलर्स का कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है। सेलर्स का कैंडल पूरा इसने क्रॉस कर दिया था बैंक निफ्टी ने, अगर आपको याद है, लेकिन निफ्टी अभी तक ये सेलर्स का कैंडल तक पहुंचा भी नहीं है, तो निफ्टी अभी भी वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो आपको अगर बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है तो बैंक निफ्टी काफी अच्छा ट्रेड रहेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन निफ्टी में भी मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और निफ्टी में जो पहला टारगेट है वो यहाँ तक आता है, ये जो सेलर्स का कैंडल का हाई है यहाँ तक निफ्टी जा सकता है 14,686.90 तक।
सो यहाँ से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है निफ्टी में करंट लेवल से 14,690 तक। और अगर 14,690 14,700 भी क्रॉस कर लेता है तो 100 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है। सो 14,563 के ऊपर काफ़ी अच्छा बाइंग रहेगा 14,500 के स्टॉप लॉस के साथ में। पहला टारगेट होगा 14,680-690 और उसके बाद 14,800 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं निफ्टी में। कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी जो मुझे लग रहा है वो ट्रेंडेड एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्यूसडे के सेशन में लास्ट एक घंटे में एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिली थी और मुझे लगता है वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है थर्सडे को भी, और थर्सडे को हमें ट्रेंडेड एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, ऊपर के लेवल पे एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है 14,650 14,700 के रेंज में हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 32,500 से लेके 32,800 के रेंज में आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। सो आपको थोड़ा सा ट्रेंडेड एक्सपायरी के लिए ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। दोनों इंडेक्स में मुझे लग रहा है ट्रेंडेड एक्सपायरी देखने को मिल सकती है और पॉजिटिव एक्सपायरी ऊपर के लेवल पे एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ट्यूसडे का मोमेंटम था वो थर्सडे को कंटिन्यू हो सकता है और कल एक्सपायरी है तो हमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। सो ट्रेंडेड एक्सपायरी के लिए आप थोड़ा ट्रेड प्लान करना और पॉजिटिव एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है, और लेवल्स में कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज का नॉलेज नहीं है, एल्गो ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, ओपन ट्रस्ट डेटा एनालिसिस आपको सीखना है, लाइव मार्केट में ओपन ट्रस्ट कैसे काम करता है, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। Thanks a lot for watching the video. See you in the next video.